चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। आज मैं आपको जो भगवान शिव को जिसके पत्र अति प्रिय है और जिसके फल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, ऐसा दिव्य और पवित्र वृक्ष बेल वृक्ष की जानकारी दे रहा हूँ। बिल्व, श्रीफल, शैलपत्र, शिवेष्ठ और लक्ष्मीपुत्र इसका संस्कृत नाम है। हिंदी में बेल, विली और श्रीफल से पहचानते हैं। बेल और बिल्ली इसका गुजराती नाम है। मराठी में बेल, तमिल में बिलुबम और तेलुगु में बिल्वयु मोरडु से पहचानते हैं। ट्रीबेल और बेल फ्रूट अंग्रेजी नाम है। बेल वृक्ष को देखते ही आपको भगवान शिव का स्मरण होने लगता है। शास्त्रों, पुराणों और वेदों में इसे दिव्य वृक्ष कहा गया है। यह सारे भारत में उत्पन्न होता है। यह वृक्ष मध्यम आकार का 20 से 30 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्र त्रिफाक और गंधयुक्त होते हैं और फल गोलाकार होते हैं। इसमें अनेक बीज होते हैं जो छोटे और कड़े होते हैं। इस वृक्ष में ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इसके पुराने पीले पड़े हुए फल वर्ष उपरांत वर्षा काल में पुनः हरे हो जाते हैं और इसके पत्र को तोड़कर यदि सुरक्षित रख लिया जाए तो 6 माह तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यह कांटेदार वृक्ष अनेक दिव्य गुणों से भरा हुआ है। बेल में उड्डनशील तेल, टैनिक एसिड और कड़वा तत्व पाया जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों, छाल और जड़ में शर्करा को कम करने का विशेष गुण भी पाया जाता है। इसलिए डायबिटीज़ में ये बहुत ही फायदेमंद है। फल के अंदर पीताभ वर्ण का तेल भी पाया जाता है। इसके पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, इसलिए सावन मास में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। इसलिए हर शिव मंदिरों में बेल के वृक्ष लगाए जाते हैं। इसके अलावा बेल के फल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होने से संस्कृत में श्रीफल से भी जानते हैं। माना जाता है कि जिस घर के आंगन में बेल का वृक्ष होता है, इस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म की बात करें तो यह उष्ण, कफग्न, दीपन, रेचक, वात शामक, पाचन और स्तंभन करता है। यह शर्करा को कम करने के साथ साथ अतिसार, रक्त अतिसार और मधुमेह का नाश करता है। तो आइए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक फायदे कैसे लिया जाए। इसके पत्रों का 1 ग्राम रस निकालकर 5 ग्राम घी में मिलाकर चाटने से हृदय शूल मिट जाता है। 10 ग्राम बेलपत्र के साथ काली मिर्च के 7 दाने पीसकर मिश्री मिलाकर शरबत बनाए और इस शरबत का दिन में 3 बार सेवन करने से उदर शूल मिट जाएगा। बेल की सूखी जड़ को पानी के साथ घिसकर सिर पर गाढ़ा लेप करने से सिर शूल मिट जाता है। बेल के पत्रों पर घी लगाकर सेंक कर आँखों पर बांधे, साथ में ताजे पत्रों का स्वरस आँखों में टपकाने से नेत्र के कई विकार शांत हो जाते हैं। ताजे बेल पत्रों के रस के साथ काली मिर्च के 7 दाने को पीसकर 25 मिलीग्राम मिश्री मिलाकर लगभग 100 ग्राम जल के साथ सुबह शाम पीने से तथा रात्रि में पानी में बिल्व पत्र भिगो कर रखे और सुबह में आँखों को धोने से रतौंधी मिट जाती है। बेलगिरी का चूर्ण, छोटी पीपल और बंचलोचन इन औषधियाँ 2-2 ग्राम लेकर मिश्री तथा अदरक के रस के साथ मिलाकर पानी में आग पर पकाए और ये जब गाढ़ा हो जाए तब इसको उतार कर दिन में 4 बार चाटने से भूख बढ़ती है और पाचन शक्ति मजबूत बन जाती है। बेल के कच्चे फल को आग पर सेक कर 10 से 20 मिलीग्राम गुद्दे को मिश्री के साथ दिन में 3 से 4 बार खिलाने से पुराना अतिसार और आम अतिसार भी मिट जाता है। इसके अलावा बेल का मुरब्बा बनाकर खाने से पित्त अतिसार मिटता है और पेट के कई प्रकार के रोग इससे दूर हो जाती है। ये बहुत ही फायदेमंद है। बेलगिरी और आम की गुठली की मिर्गी समान भाग लेकर पीछ ले और 2 से 4 ग्राम शीतल जल के साथ नित्य प्रातः सायं इसका सेवन किया जाए तो आम अतिसार में बहुत ही फायदा मिलता है। लगभग 20 ग्राम ताजे बेलपत्रों को लेकर 7 काली मिर्च के दाने मिलाकर इसको पीच ले और पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन करने से मधुमेह में बहुत ही फायदा मिलता है।
बेलपत्र के रस के साथ शहद मिलाकर इसका सेवन करने से प्रदर रोग मिट जाता है। ताजे बेलपत्रों का 25 ग्राम स्वरस निकालकर साथ में छोटी पीपली का चूर्ण 1 ग्राम मिलाकर नित्य इसका सेवन करने से जलोदर में बहुत लाभ मिलता है। बेल के कोमल फल के गुद्दे के साथ गुड़ का सेवन किया जाए तो रक्त अतिसार, आमशूल, वात गुल्म और समस्त उदर के रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके ताजे फल के गुद्दे को पीसकर दूध के साथ चीनी मिलाकर पीने से पुराना मूत्र कुछ भी मिट जाता है। किसी भी प्रकार के व्रण में पत्तों को बिना जल के पीसकर टिकिया बनाकर बांधने से बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अलावा इसके कोमल कोमल पत्तों को पीसकर पुल्टिस बनाकर फोड़ों पर बांधने से भी बहुत ही आराम मिल जाता है। बेलगिरी के चूर्ण और मिश्री को दूध के साथ सेवन करने से रक्त की कमी दूर होती है, शारीरिक दुर्बलता नष्ट होती है और वीर्य की कमजोरी दूर हो जाती है। बेल का काढ़ा बनाकर मधु मिलाकर प्रातः सायं नित्य पीने से ज्वर छूट जाता है। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने स्नेहीजनों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।